इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार। तो कैसे हैं आप लोग भैया? मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मेरे धोखे से निकल गई आज के? मैं मरी जाऊं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से YouTube वर्सेस TikTok के बीच काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, पर सच्चाई तो सभी को पता है, YouTube की तुलना TikTok से करनी सही नहीं होगी। खैर, इस बात को दरकिनार रखते हुए जानते हैं कि कैसे एक चाइनीज ऐप TikTok हमारे दिमाग व जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कैसे हमें मेंटली इफेक्ट भी कर रहा है। चाइना की एक कंपनी ByteDance ने 2017 में iOS और Android ऐप के जरिए TikTok को मार्केट में लॉन्च किया और फिर 2018 में Musical.ly को भी मर्ज कर लिया तथा इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया। देखते ही देखते यह ऐप तेजी से विस्तार करने लगा, खासकर यंगस्टर के द्वारा इसे काफी पसंद किया गया। इसकी वर्ल्ड वाइड एक्टिव यूजर लगभग 800 मिलियन है, जिसमें से 120 मिलियन यूजर इंडिया से हैं, जबकि YouTube की वर्ल्ड वाइड एक्टिव यूजर लगभग 2 बिलियन है। इंडिया में इसके 265 मिलियन यूजर हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों TikTok हमें मेंटली इफेक्ट करता है। TikTok हमारी पेशेंस लेवल को कम करती है, यानी हमारी अटेंशन स्पैन करती है। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग किताबें पढ़ते थे, किताबों के जरिए ही लोग कहानियों के बारे में जाना करते थे। एक किताब को पढ़ने में कुछ दिन का समय लगता था और लोग बड़े एकाग्रता से उसे पढ़ते थे। इसके बाद मूवीज का दौर आया। सिनेमा हॉल्स में जब बैठकर हम मूवीज देखते हैं तो कुछ घंटों का समय लगता है। फिर YouTube वीडियोज आई। आमतौर पर किसी YouTube वीडियोज को देखने में आपको लगभग 10 से 20 मिनट का समय लगता है। Facebook, Instagram जैसे सोशल मीडिया पोस्ट को देखने के लिए आप लगभग 1 से 2 मिनट का समय लेते होंगे, पर TikTok इस चीज को और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है। एक TikTok वीडियो को देखने में आपको सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगते हैं, जिसके कारण हमारा अटेंशन स्पैन यानी पेशेंस लेवल इतने कम हो गए हैं कि हमें हर 10 सेकंड में कुछ नया इंटरटेनिंग देखने को चाहिए। आप अगर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं और कोई बोरिंग सीन आ रही हो तो भी आप अपना फ़ोन निकाल कर देखने लगते हैं, यानी कि हमारा पेशेंस लेवल इतना गिर गया है कि 2 या 2.5 घंटे की मूवी भी एकाग्रता से नहीं देख पाते। हमें हर सेकेंड कुछ अलग चाहिए। अब इतना अटेंशन स्पैन होने से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला तो यह है कि आप 10 से 15 सेकंड में कुछ नया सीख नहीं पाते। आपका मन पढ़ाई लिखाई से उबने लगती है। आपको बुक्स इत्यादि पढ़ने में भी बोरिंग फील होने लगती है। आपका पेशेंस लेवल धीरे धीरे कम होती जाती है। जहां पर आपको ज्यादा समय लगे आप वहां पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप घंटों TikTok वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके बाद अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने कुछ कर लिया। इनफैक्ट आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आएगी कि इस टाइम पर कुछ कर लिया होता तो बेटर होता। दूसरा रीजन यह है कि TikTok आपके दिमाग को पैरालाइज कर देता है। आपका दिमाग एक्शन करना कम कर देता है। जब आप TikTok ओपन करते हैं तो आपको TikTok अपने एल्गोरिदम के जरिए आपके सामने फॉर यू पेज पर वीडियोस दिखाती रहती है और आप एक पैरालाइज की तरह बस स्क्रॉल करते जाते हैं, जिससे आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। अगर इस तरह के बिहेवियर आप हर दिन 1 से 2 घंटे तक करते हैं तो ये आपको अपना एडिक्टिव बना लेता है, क्योंकि बाकी सोशल मीडिया के मुकाबले TikTok आपको कुछ करने ही नहीं देता। बस आप एक माइंडलेस रोबोट की तरह स्क्रॉल करते जाओगे। अगर इसे YouTube से कंपेयर करें तो YouTube आपके लिए हर वीडियो के बाद कम से कम 10 से 15 रिकमेंडेड वीडियो लाकर देता है, जिसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा वीडियो देखें, जिसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर ऐसा TikTok में नहीं है। तीसरी और आखिरी रीजन यह है कि TikTok एक चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाई गई ऐप है और हम सब जानते हैं चाइनीज कंपनियां चाइनीज गवर्नमेंट के इशारों पर नाचती है। हाल ही में US ने इलीगल डाटा कलेक्टिंग चिल्ड्रेंस के तहत
यूजर डाटा को लीक करने के आरोप पर टिकटॉक पर 5.7 मिलियन डॉलर का फाइन लगाया है। खासकर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चों से लेकर पुलिस आर्मी जैसे लोग भी टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप हमारे फोन के लोकेशन, कैमरा, माइक तथा कॉन्टैक्ट डिटेल जैसी सारी इम्पोर्टेंट परमिशंस को भी एक्टिव रखती है, जो हमारे सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी खतरा मानी जा सकती है। कुछ दिनों से इंडिया में टिकटॉक को लेकर लोगों में काफ़ी हेट्स बढ़ रही है। YouTube और TikTok के कंट्रोवर्सी के बाद लोग TikTok को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्ले स्टोर पर लोग इसे फ्लैग तथा इसकी रेटिंग गिरा रहे हैं। इंडिया में ट्विटर पर बैन TikTok इन इंडिया #1 पर ट्रेंड कर रही है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube को सपोर्ट करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में इसे शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। बाकी हमारे पॉपअप इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।